अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज जो है बेटा, हमने ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करना है और हमारी कोशिश है कि आज ही हम इसको 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे, राइट? अच्छा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से पहले जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमें वो पता होने चाहिए, रूट और स्टेम। जैसे कि हमारे कैम्ब्रिज सिलेबस में डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम है, तो हम डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम ही करेंगे, राइट? हम बाकी मोनोकॉट की तरफ या एक्स्ट्रा सिलेबस की तरफ नहीं जाते, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर से। अच्छा, ये जो है बेटा, दिस वन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। डाइकॉट और मोनोकॉट हमें पता है, डाइकॉट हैव द टू सीड कोट्स एंड मोनोकॉट हैव वन सीड कोट, राइट? अच्छा, डाइकॉट रूट का आप स्ट्रक्चर देखें, इसमें बेटा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, ठीक है? और एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, और जहां पर भी हम एपिडर्मिस देखेंगे दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है? वो प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड ऑर्गेन्स। वो हम एनिमल्स में देखें या हम प्लांट्स में देखें, तो जो एपिडर्मल लेयर है दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ द फ्लैट लेयर्स। अच्छा, रूट में भी ऐसे ही होती है, आउटर एपिडर्मिस है, और स्टेम में भी आउटर एपिडर्मिस है, ठीक है? ओवरऑल दिस। अच्छा, रूट में और स्टेम में एक ये डिफरेंस है कि रूट में बेटा जो एपिडर्मिस है, इट हैज हेयर, इट हैज एक्सटेंशन विच आर नोन एज द रूट हेयर। ये जो है, these are root hair and root hair are present only in roots, they are absent in stem, ठीक है? अच्छा, डिफरेंस भी हम इन द एंड जो है दोनों का कर लेंगे। फर्स्ट आउटरमोस्ट लेयर जो है दैट इज द एपिडर्मिस, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है एपिडर्मिस के पार्ट, ये इनर पार्ट, ठीक है? ये इट्स मेड अप ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज, और यहाँ पर कौन से हैं ग्राउंड टिश्यूज? ग्राउंड टिश्यूज जो हैं, दिस ऑल पार्ट इज मेड अप ऑफ ब्रॉड स्फेरिकल या इररेगुलर लार्ज साइज सेल्स होते हैं, जिनको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज ब्रॉड, और इसी तरह ही रूट में भी दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज ब्रॉड सेल्स, जिनको हम कॉर्टिकल सेल्स बोलते हैं, और इस एरिया को हम कॉर्टिक्स बोलते हैं। कॉर्टिक्स में बेटा जो सेल होंगे वो ऐसे होंगे, एज एज दिस इज द प्लांट सेल, तो इट विल हैव सेल वॉल, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, लार्जर वैक्यूल, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, सारी चीजें होंगे, दे आर द ब्रॉड। अच्छा, अब ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या है? ये बेटा वाटर को प्लस फूड को स्टोर करते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन टू द कॉर्टेक्स। एक तो ये काम है, और दूसरा ये क्या करते हैं बेटा, दे क्रिएट अ कंसेंट्रेशन डिफरेंस, और कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आयंस एंड वाटर कैन इजीली मूव। आप देखें कि जैसे मैनी सेल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है? इस एरिया में many cells are present, and if the water is being moved from one cell to the other cell, so it will create a concentration difference, ठीक है? जिसमें ions भी और water भी move करेंगे। इसके बाद जब हम inner side पर move करते हैं into root, तो आप देखें there are vascular bundles present, ठीक है? तो ये center में we can see here, these are the vascular bundles, और रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, डायकॉट आपने बेटा याद रखना है, दिस इज जाइलम जो है वो सेंटर में होता है, विच इज, इसको हम स्टार शेप भी कहते हैं या एक्स शेप भी आप कहते हो, ठीक है? स्टार शेप भी आप लिख सकते हो, एक्स शेप भी लिख सकते हो। सेंटर में देयर इज जाइलम प्रेजेंट, और इसके अराउंड क्या होता है, देयर इज फ्लोएम प्रेजेंट। ये जो हमें ब्लैक नजर आ रहा है, दिस इज द फ्लोएम टिश्यू, और जाइलम और फ्लोएम जो है दीज आर अल्टरनेट। आप देखें ये फ्लोएम है, फिर इसके बाद दिस इज जाइलम, फिर ये फ्लोएम है, देन दिस इज जाइलम, राइट? तो ये अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट टूगेदर। सेंटर में स्टार शेप्ड जाइलम है, साइड पर जो है देयर इज फ्लोएम प्रेजेंट।
अच्छा, अब हम देखते हैं स्टेम में क्या होता है। स्टेम में बेटा जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये आप देखिए, हम रेगुलर रिंग भी इसको कह सकते हैं। ये आप देखिए, ये है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, ये है वेस्कुलर बंडल्स, देन ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, देन इसके बाद ये वेस्कुलर बंडल्स हैं एंड ये। तो ओवरऑल आप देखें, इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ रिंग। ये ओवरऑल सर्कुलर क्या बन रहा है, दिस इज रिंग। अच्छा, एक तो ये चीज, और दूसरी चीज आपने देखनी है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म, दे आर प्रेजेंट टूगेदर, ठीक है। इसको हम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास, अच्छा इसको अगर आप देखें तो इसमें ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, ठीक है। इसमें जो बेटा इनर होता है दैट इज द, इसमें आप देखें जो इनर है दैट इज जाइलम। यहाँ पर आप देखें, दिस इनर वन इज जाइलम, लेट मी हाईलाइट इज ग्रीन। ये देखें, जो इनर है दिस इज द जाइलम पार्ट, और जो आउटर पार्ट है ब्लैक वन, दिस इज द फ्लोएम पार्ट। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम दे आर प्रेजेंट टूगेदर, राइट। बट आप इसमें देखें, अंदर वाली साइड पर क्या है, देर इज जाइलम एंड आउटर साइड हैज द फ्लोएम। तो जिस तरह बच्चे कह रहे थे, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस, आपने बैठा देखना बेटा इनर साइड पे। अब यहाँ पर जैसे मैंने ड्रॉ किया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मैं कहती हूँ कि दिस इज द जाइलम, इसका मतलब है कि मैंने इस सेल को, ये वाली साइड इसकी, दिस वाली साइड है, दिस इज दिस साइड, जो इनर साइड है, ठीक है, वो मैंने ये नीचे वाली साइड पर ड्रॉ की है, और ये जो ब्लैक वन है वो मैंने इस साइड पर ड्रॉ की है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर मैं कहती हूं कि दिस इज द जाइलम, इनर जाइलम है और आउटर साइड पर फ्लोएम है, राइट। आपने क्वेश्चंस में बेटा इसको जो है, क्वेश्चंस में आपने इसको लेबल करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है, सो प्लीज बी केयरफुल, बी केयरफुल। आपने स्टेम देखना है और स्टेम की इनर साइड देखनी है, इनर साइड पर जाइलम होता है, आउटर इज द फ्लोएम, ठीक है, इनर एंड आउटर आपने देखना है। अच्छा, इनर जो है दिस इज द जाइलम, और यहाँ पर आउटर जो है दिस इज द फ्लोएम, इनके बीच में कैन यू सी, यहाँ पर देर इज अ लाइन, या ठीक है, लाइन ऑफ सेल्स प्रेजेंट, और इसको हम बोलते हैं दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये लाइन किस चीज की है, दिस लाइन इज ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम की इन दोनों के बीच में है। अच्छा, कैम्बियम सेल्स जो है वो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कैम्बियम सेल्स ये कॉर्टिकल साइड पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है, इनका बेटा काम क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम विल डिवाइड, वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, इट विल डिवाइड, इट हैज द सेल्स विच कैन डिवाइड, इट विल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू वेस्कुलर बंडल्स, इट विल फॉर्म न्यू जाइलम एंड न्यू फ्लोएम, ठीक है। अच्छा, अब आप ये वेस्कुलर बंडल देखें, वेस्कुलर कैम्बियम, दिस वेस्कुलर कैम्बियम। अब बेटा वेस्कुलर कैम्बियम की जो आउटर साइड है ये वाली डिवाइड करेगी दिस साइड एंड इट विल फॉर्म न्यू सेल्स, यहाँ पर नए सेल्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एज दीज सेल्स आप देखें आर बीइंग फॉर्म्ड टुवर्ड्स द फ्लोएम, दे आर बीइंग फॉर्म्ड टुवर्ड्स द फ्लोएम, फ्लोएम वाली साइड पर ये बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे, दे आर द सेकेंडरी फ्लोएम। इसी तरह वेस्कुलर कैम्बियम के जो बेटा सेल्स हैं दे विल डिवाइड ऑन द लोअर साइड, ये देखें नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म द न्यू जाइलम, जाइलम वाली साइड पर डिवाइड कर रहे हैं, सो दे विल फॉर्म द जाइलम। अब ये जो नया जाइलम बनता है इसको हम बोलते हैं दिस इज द सेकेंडरी जाइलम, और जो पुराना जाइलम था इसको हम बोलते हैं दिस इज द प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी
जाइलम, और बाद में जो ये बना है दिस इज द स्कैंड्री जाइलम। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। इसी तरह आप फ्लोएम देखें तो बेटा फ्लोएम भी जो पुराना था ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये कौन सा होगा, ये प्राइमरी फ्लोएम होगा, इट विल बी पी लिख देते हैं हम प्राइमरी फ्लोएम। अच्छा, और ये जो न्यू बाद में बना है बाय द डिवीजन ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम, ये क्या होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ये बाद में बना है, दिस इज द सेकेंडरी सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा जो जाइलम और फ्लोएम है, हर साल इसकी एक लेयर जो है वो अकुमुलेट होती जाती है। अगर आप वुड के स्टेम को कट करें तो उसमें हमें ये जो सर्कुलर लाइंस नजर आ रही होती हैं, दीज आर द एनुलर रिंग्स, और हर साल में एक रिंग बनता है विच गिव्स अस द एज ऑफ द प्लांट। जितनी ये इसके अंदर लाइंस होती हैं उतनी प्लांट की एज होती है, और हर साल में ये एक लाइन बनती है। इस लाइन के अंदर क्या होता है, इट हैज द वेस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम। जो न्यू सेल्स आ रही हैं, दे विल फॉर्म दिस वन लाइन विच विल हैव द जाइलम एंड द फ्लोएम। तो हर साल एक नई लेयर बनती आएगी। ठीक है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल्स हमने कर लिए। वेस्कुलर बंडल्स के बाद आप देखें स्टेम, ठीक है, ये हमने कैम्बियम भी कर लिया है। कैम्बियम जो है अगर वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट है तो हम इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, जैसे वेस्कुलर बंडल्स है। इसी तरह अगर यहाँ पर कॉर्टिक वाली कॉर्टिकल साइड पर यहाँ पर जो है अगर आपको कैम्बियम मिलता है तो उसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। ये भी डिवाइड करके क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो फॉर्म द न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाते जाएंगे इस तरह, एंड दिस विल इंक्रीज द न्यू सेल्स बनेंगे एंड दिस विल इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है। सेंटर में यहां पर आप बेटा देखें स्टेम में रूट में सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट है, इन रूट देर इज जाइलम प्रेजेंट। स्टेम में आप देखें सेंटर में जो ये वाली पार्ट है दिस वन, यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ पर सेल्स होते हैं जिसके अंदर प्लांट का वेस्ट मटीरियल स्टोर हो जाता है, एंड दिस इज डार्कर इन कलर। ठीक है। जो वुड का मटेरियल हमारे घर में भी प्रेजेंट है, आप वहां पर देखें सेंटर में आपको डार्क सा पैची एरिया नजर आता है, एंड दिस पैची एरिया इज नोन एज द, इस पैची एरिया को हम पिथ बोलते हैं, दिस इज द पिथ। और पिथ के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पर वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट स्टोर होता है, राइट। ये अच्छा, अब इनमें बेटा आपने जो है वेस्कुलर बंडल्स को अच्छी तरह से देखना है। स्टेम में दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ठीक है, और रिंग में भी जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, दे आर प्रेजेंट टुगेदर। इनर साइड पर जाइलम है, आउटर साइड पर फ्लोएम है। इसी तरह रूट में आप देखें जो बेटा जाइलम है दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ स्टार, स्टार भी आप कह सकते हो या एक्स भी हम कहते हैं इसे, राइट। और इसके अल्टरनेट जो है फ्लोएम प्रेजेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। इनका वेस्कुलर बंडल्स का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, और समटाइम्स आप बेटा देखेंगे जो स्टेम है, स्टेम इज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। स्टेम के अराउंड क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर, और इसको हमने लीफ के स्ट्रक्चर में स्टडी किया है, ठीक है। अच्छा, क्यूटिकल जो है ये वैक्सी है तो इट विल प्रिवेंट द वाटर लॉस, या अच्छा अब आप लोगों ने मुझे बताना है दिस इज द क्यूटिकल, राइट। और चैप्टर नंबर वन में हमने रूट हेयर का स्ट्रक्चर भी किया हुआ है। जो क्यूटिकल है बेटा दिस इज एब्सेंट इन रूट्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन, रूट्स में ये एब्सेंट क्यों होती है। दिस इज इंपरवियस टू वाटर, राइट, सो वाटर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू रूट्स, रूट्स में से पानी जाना होता है, राइट। सो इसलिए जो है, लेट मी सी मैन्योर, बिकॉज वाटर कैन नॉट एवेपोरेट फ्रॉम द रूट्स। यस बेटा, एवेपोरेट हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, एज वॉटर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड ना, एवेपोरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और वो
स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पर वाटर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, तो वाटर ने ट्रांसपोर्ट होना होता है, इसलिए जो है क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। अच्छा, अब वेस्कुलर बंडल्स हमने स्टेम में भी देख लिए हैं, रूट में भी देख लिए हैं, अब हम वेस्कुलर बंडल्स लीफ में भी देख लेते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सो हम इसको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट होती है बेटा, दिस इज द इससे ऊपर वाली, ठीक है, लेट मी टेक अ थिनर पेंसिल। अच्छा, ये जो है बेटा दिस वन, ये ऊपर, दिस इज क्यूटिकल, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लैट सेल्स हैं, दीज आर द अपर एपी, दिस इज अपर एपिडर्मिस। इसी तरह जो नीचे है, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, राइट। अच्छा, और यहां पर देयर इज ओनली वन, ये जो चीज है, दिस इज द, दिस होल इज बेसिकली स्टोमा, सिंगुलर इज स्टोमा एंड प्लूरल इज द स्टोमेटा। अच्छा, इसके साइड पर ये मैं येलो हाईलाइट कर देती हूँ, यस, ये जो येलो हाईलाइटेड सेल्स हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेटा वेस्कुलर बंडल्स देखने हैं, ये वाले वेस्कुलर बंडल्स में आपने याद रखना है कि रूट, सॉरी लीफ के अंदर जो अपर है, अपर आर जाइलम, और लोअर क्या है, लोअर इज द फ्लोएम, ठीक है, हम ये कर रहे हैं। अपर जो है बेटा, अपर इज द जाइलम, पर्पल वन विच इज लेबल्ड पर्पल हेयर, ऊपर हमेशा जाइलम होगा और लोअर साइड पर हमेशा फ्लोएम होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है, बट क्विकली हम इसको कर लेते हैं। दिस इज द पैलिसेड मेसोफिल, जो फ्लैट है, दीज आर पैलिसेड मेसोफिल, और ये वाले जो है, दीज आर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल हैव, मेसोफिल हैव क्लोरोप्लास्ट, राइट, एंड दे विल कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो थर्ड सेल है विच हैज अ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द गार्ड सेल, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पर यू कैन सी हियर सम एम्प्टी स्पेस इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। एम्प्टी स्पेस जो है, दीज आर नोन एज द एयर स्पेसेस, दिस ब्लू वन, दिस इज द एयर स्पेस, ये एयर स्पेस है, ठीक है। एयर स्पेस का बेटा क्या फायदा होगा, दिस विल क्रिएट अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन डिफरेंस। यहां से एयर अगर मूव करेगी तो फर्स्ट इट विल मूव फ्रॉम स्टोमेटा इनटू द एयर स्पेसेस, वहां पर एयर की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी, सो हाई टू लो इट विल डिफ्यूज टू दीज सराउंडिंग सेल्स, राइट, सो क्विकली डिफ्यूजन होगी या मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। हमने वेस्कुलर बंडल्स देखे, रिवाइज में कर देती हूँ। रूट में जो है बेटा, सेंटर में जाइलम है, सराउंडिंग में जो है फ्लोएम इज प्रेजेंट। स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट टूगेदर इन द कंपैक्ट फॉर्म, और इनर साइड पर जाइलम है, आउटर साइड पर फ्लोएम है। इसी तरह डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें बेटा वेस्कुलर बंडल्स में अपर साइड पर देयर इज जाइलम प्रेजेंट और लोअर साइड पर देयर इज अ फ्लोएम प्रेजेंट, राइट। आपने बेटा इनको समटाइम्स लेबल करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है इन पेपर वन, तो पेपर वन में आपने आइडेंटिफाई करना होता है और पेपर टू में इसको लेबल करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम कहां पर होते हैं, राइट। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन,